हेलो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं बोर्ड में हम लोग कहाँ आ गए हैं। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, जो कि आपका हार्दिक स्वागत करता है। और जस्ट इसी के बगल में पुलिस चौकी पूर्वांचल विश्वविद्यालय, थाना ख्वाजा सराय। पूर्वांचल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी नाम ही काफ़ी है। चलिए हम आपको आगे ले कर चलते हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय को हम आपको दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइव एक्सप्रेस। हम लोग आ गए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जो कि जौनपुर में स्थित है, और इसकी स्थापना सन 1987 ईस्वी में स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी द्वारा कराई गई थी। जैसा कि मेन गेट ही, मेन गेट से घुसते ही इधर देखिए वीर बहादुर सिंह जी की प्रतिमा लगाई गई है, और जस्ट मेन गेट के बगल में ही अशोक स्तंभ का निर्माण कराया गया है, जो कि माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी द्वारा कराया गया था। और बाकी की चीज़ें हम आपको अंदर से जाके दिखाते हैं। हमारे वीडियो में बने रहिए, रहिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए हम यूनिवर्सिटी की तरफ, प्रशासनिक भवन, ये देखिए यूनिवर्सिटी के अंदर का एक दृश्य है। ये देखिए प्रशासनिक भवन है, देखिए सरस्वती सदन जो कि लिखा हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है आपको। इधर विज्ञान शाखाए हैं, और गांधी वाटिका, महंत अवधेश संगोष्ठी भवन, देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है। इसके अंदर का जो दृश्य है काफ़ी खूबसूरत है। इधर देखिए विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय, इधर विवेकानंद जी के नाम से पुस्तकालय खोला गया है। और शिक्षित, देखिए काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना भवन का निर्माण कराया गया। इसमें पर्यावरण का भी बहुत ही ध्यान रखा गया है। इसमें पेड़ पौधे, फूल, सभी चीज़ें हैं। जब हम इधर जाएंगे तो सीवी रमन छात्रावास, इस साइड छात्रावास है, ज्योतिबा फूले छात्रावास, वीर बहादुर सावरकर भवन और चरक छात्रावास, श्री निवास रामानुज छात्र निवास, मतलब हम का यूनिवर्सिटी के एकदम पीछे आएंगे, पीछे साइड पे ही छात्रावास का निर्माण कराया गया है। और जस्ट इसके पीछे एकदम सीधे हम यूनिवर्सिटी के फर्स्ट गेट से अगर सीधे आते हैं तो जस्ट पीछे एकलव्य स्टेडियम, मतलब एकदम पीछे स्टेडियम का निर्माण कराया गया है। यहाँ पर बच्चों के खेल कूद के लिए उत्तम व्यवस्था की गई है। जैसा कि देखिए क्रिकेट खेला जा रहा है अंदर, और इधर देखिए स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है दूसरे साइड में। अभी इतना खूबसूरत बनाया गया है, इसके बावजूद भी इसमें काम अभी चल रहा है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं नज़दीक से उसको भी। जब हम आ गए हैं तो आपको हर कोना दिखाएंगे, क्योंकि लाइफ एक्सप्रेस ब्लॉग किसी हर कोने को दिखाता है। देखिए मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा संतुलन, ये में वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और हॉकी के लिए ये बनाया जा रहा है, मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा संकुल, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। हम लोग देखिए हॉस्टल की तरफ आ गए हैं। देखिए हॉस्टल, हॉस्टल दिखा दीजिए। इधर देखिए विश्वकर्मा, ये हॉस्टल है, और जस्ट इसी के आगे चलेंगे तो ये देखिए यूनिवर्सिटी
शंकर बड़ साहब पंजाब नेशनल बैंक विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार, मतलब ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। देखिए मैकेनिकल वर्कशॉप इस साइड है, ये शिव भवन बनाए गए हैं। यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं और देखिए काफ़ी बड़ी, देखिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का ये रूम बनाया गया है। अब इधर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ये बनाया गया है और जस्ट इसी के बगल में ही पंजाब नेशनल बैंक है। हम लोग फिर से एक बार गोल गोल घूम के आगे की तरफ आ गए हैं। इधर देखिए कार्य चल रहा है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, ये देखिए इंजीनियरिंग का एक डिपार्टमेंट इस साइड में है। इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट दिखाया है और ये देखिए ये इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, ये अभी इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट हमने दिखाया और ये देखिए फार्मेसी का डिपार्टमेंट है। इधर देखिए हम लोग घूमते घूमते पीछे से प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ राजू भैया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस एंड फॉर स्टडी एंड रिसर्च सेंटर का एक डिपार्टमेंट है, इस साइड आ गए हैं। इस गेट से घुसते ही इसके अंदर शंकाय भवन भी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। और जस्ट इसी के आगे आने पर देखिए टेम्पल, ये मंदिर है कि आप आके प्रे करिए, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए मंदिर बंद है। और ये इस मंदिर में ये देखिए पार्क है, इसमें आप आके थोड़ा सा टाइम बिता सकते हैं अगर बोर हो रहे हैं तो एक बार उधर। और ये देखिए क्या गेट कितना खूबसूरत बनाया गया इसमें। चलिए हम लोग देखिए छात्रावास की तरफ चल रहे हैं। ये सब देखिए छात्रावास बन रहे हैं, कुछ अधूरा कार्य पड़ा हुआ है, धीरे धीरे ये सब भी बन जाएगा। काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हम भी आज आपके वजह से हम भी देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा है। हमको लग रहा कि 1 किलोमीटर के रेंज में तो बसा ही होगा, है कि नहीं भाई। ये देखिए सी वी रमन छात्रावास है, जो कि हमने बोर्ड में पहले ही दिखा चुका है आपको। और आगे चलते हैं, इधर देखिए काफ़ी बड़े बड़े हॉस्टल देखने को मिल रहे हैं, आपकी वजह से हमको भी ये चीज़ें देखने को मिली। और यहाँ पर हम तो नज़दीक से देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है हमको पता नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। छात्रावास ले लो, ये देखिए जो छात्रावास है ज्योतिबा फूले छात्रावास, काफ़ी बड़ा छात्रावास बनाया गया है। और इस साइड से चलते हैं, देखिए श्रीनिवास रामानुज अनुसंधान के सामने है, जो देखिए सामने दो बिल्डिंग दिख रही है, श्रीनिवास रामानुज छात्रावास ये है, लेकिन हमको सबसे अच्छा ज्योतिबा फूले छात्रावास लगा है। और जस्ट ये बगल में देखिए चरक छात्रावास, जो कि सुरक्षा के दृष्टि से गार्ड साहब लगे हुए हैं। चलिए हमने आपको छात्रावास भी दिखा दिया, जो हम के सोच रहे थे छात्रावास क्या दिखाएं, लेकिन उसको भी दिखा दिया। और हमको देख के भी काफ़ी अच्छा लगा, ये 1 किलोमीटर 700-800 मीटर के तो रेंज में बसा ही होगा ये यूनिवर्सिटी।
इस वक्त विश्वविद्यालय में कोई कमी नहीं दिखी है, क्योंकि ये विश्वविद्यालय काफ़ी ही बहुत ही बढ़िया और अपने आप में माना जाना और उत्तर प्रदेश की आन बान शान पूर्वांचल विश्वविद्यालय पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में जौन जो हम लोगों का घर देखिए आजमगढ़ ज़िले में पड़ता है और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर ज़िले में पड़ता है। और पहले आजमगढ़ के जो बच्चे थे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से ही पढ़ते थे, जो टाई अप रहता था वीर बहादुर सिंह से। और अब जो है कि आजमगढ़ में भी महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी करके हो गया है। और ये देखिए एकलव्य जी का मूर्ति लगी हुई है फोटो। ये देखिए एकलव्य जी की मूर्ति है जो कि इन्हीं के नाम पे एकलव्य स्टेडियम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। और इधर बगल में देखिए रोवर्स रेंजर्स का ये बनाया गया है ये भाग। और जस्ट इसी के आगे चलने पे देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाई गई है, जो कि प्रोफेसर सुंदरलाल जी कुलपति इन्हीं के अध्यक्षता में लगाया गया था ये। हाँ आगे चलने पे ये देखिए प्रशासनिक भवन, इधर प्रशासनिक भवन है, देखो दिखाओ है, काफ़ी हरा भरा यूनिवर्सिटी है जिससे कि दिखाई नहीं दे पा रहा है। ये देखिए प्रशासनिक भवन जो कि बना हुआ है। चलिए हम आपको आगे एक और दृश्य दिखाते हैं। ये देखिए जो मूर्ति बनी हुई है वीर बहादुर सिंह जी की, ये मूर्ति है अशोक स्तंभ जो कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य द्वारा ये लिया गया है।